मैं तो आपको मुल्क की बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क को हम किधर लेके गए हैं। ये खान देखिए नदीम साहब, अगर आप या आपके नाजरीन इस पे खुश है कि 40 साल हमारी जरदारी फैमिली और मियाँ साहब की फैमिली के साथ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, हम छोटे थे जब ये सियासत पे थे, अब इनके बच्चे एम पी ए हुक्मरानी करने आए और उनके भी बच्चे अब तैयार हो रहे हैं, क्या ये मुल्क मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 2-3 खानदानों के लिए बनाया था? नहीं, ये तो 25 करोड़ का मुल्क है, यहां तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ तो आम आदमी की जंग लड़ रही है के बाद कोई दूसरी बात। आपके घर अगर डाका पड़ जाए या खुदा नखास्ता आग लग जाए और कोई आपको कहे कि आए जरा इधर सिविल सोसाइटी के साथ बैठ के फॉरेन अफेयर्स पे एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आप कहेंगे पहले मैं जरा पानी डाल के आग बुझा लूं उसके बाद बात करते हैं। इस वक्त आपकी जमहूरियत की सारी फैक्ट्री पे आग लगी हुई है, कौन सी आप बात करते हैं? रात को लोगों ने सीटें जीती, सुबह लोगों को जो है कागज थमा दिए गए। फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 उन तमाम पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिंडी है, पिंडी में पीर वेदाई है, पता नहीं कौन कौन से इलाके हैं वहां जनाब आप आके वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, लोग कैंपेन करते हैं, कन्विंसिंग करते हैं, उनके साथ बैठ के उनको कन्विंस करते हैं, लोग सारा दिन सुबह से शाम तक कैंपों में बैठे होते हैं, चाय चल रही है, चिटें बन रही हैं, सारे जाके पर्चे डालते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है, रात को 11-12 बजे रिजल्ट आ जाते हैं, जनाब फलाना जीत गया, सुबह कोई और जीत गया। क्यों भाई सुबह क्यों कोई और जीत गया? क्या इस वजह से कि 25 करोड़ अवाम नहीं चंद लोग फैसला करेंगे? ये चंद लोगों ने देखें नदीम साहब नहीं, अली खान साहब आप दो चीजें हैं, एक तो ये है कि आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ट्रिब्यूनल्स है, दूसरा आपका मुल्क इस वक्त बहाल मुल्क है जहां रोजगार कोई नहीं, जहां लोगों की जिंदगी की उम्मीद कोई नहीं, अस्पताल में इलाज नहीं, थाने में चोरों की हुक्मरानी है, मजलूम आदमी वहां जाने का सोच नहीं सकता, अदालतों में इंसाफ नहीं, सरकारी दफ्तरों में गरीब की सुनवाई नहीं। ये मुल्क मोहम्मद अली जिन्ना का विजन नहीं था। अभी आप 178 वोटें सीटें हमें मिल गई, आवाम ने हमें दे दी, आपने उसको रिड्यूस करके उनको बैठा दिया जो अपनी अपनी सीटें भी हारे हैं और जमात भी उनकी हारी भी है, उनके मेन स्टारवर्ड सारे के सारे हारे हुए। इन हालत में क्या इस जमहूरियत के निजाम से देखें हकूमत चलाना कि बस चलती रहे और निजाम को ठीक करना, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आपने हुकूमत चलानी है, वो तो काकड़ साहब भी चला रहे थे, वो तो उनसे पहले शौकत तरीन साहब भी चला रहे थे, शौकत अजीज साहब माजत खाऊ माजी में जो रहे, या उनसे पहले मोइन सिद्दीकी साहब थे, या कौन से मोइन कुरैशी थे, वो भी चला रहे थे, वो तो सियास साहब भी चला रहे थे, वो तो मुशरफ साहब भी चला रहे थे। क्या सिर्फ चलाना है या मुल्क को ठीक करना है? ये चला चला के तो हमने अपनी कौम का बेजा चला दिया, इस तरह तो नहीं होता। देखिए आज आप जाके, आखिरी बात, आप भी बच्चों वाले हैं, अपने यूथ के साथ बैठिए, क्या आपकी यूथ आज होपफुल है? हमने इन हरकतें करके ना, हम सब ने ये हरकतें करके अपनी यूथ से उनकी आंखों के ख्वाब छीन लिए हैं, वो बैठ के मायूसी की बातें करते हैं। उनके चेहरों पे मुस्तकबिल की नवीद वापस देना, नवीद मुसर्रत देना कि वो होपफुल हो, पाकिस्तान शुड बी अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये कैसे होगा? क्या ये जरदारी साहब आके अब करेंगे, शहबाज साहब करेंगे? बस ठीक है ऐसे ही चलने दो, कमीशन खाई जाओ, बंदे लाई जाओ, मैं, मेरा भतीजा, भतीजी, मेरी पुपी को भी टिकट दे दो, वो मेरा पुपा भी जो है उसको सेनेट में ले आओ, आखिरी उम्र अच्छी गुजर जाएगी, चाय चाय पिएगा, आप जेब में पैसे भी आएंगे। दूसरी सोचिए कि नहीं ये निजाम ठीक, इसको ठीक होना है। वो सोचते कायद के वजन क्या था, अलामा की सोच क्या थी, मोहम्मद अली जो भुट्टो क्यों फांसी चढ़ा, क्या मसला था, पाकिस्तान में ये चीजें क्यों ठीक नहीं हो रही? मैं आपका ये इस्तेदलाल बिल्कुल मानता, मैं एक्सेप्ट, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, उसमें भी कमियां हैं, हम में भी कमियां थी, लेकिन हम में कम से कम उम्मीद तो जिंदा है। नहीं, मैं आपका इस्तेदलाल बिल्कुल मानता हूँ, आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये फरमा दीजिए कि अभी जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बनी है उसमें कितने बेटे और कितने भाई हैं? देखिए जो गलत है वो गलत है भाई, अगर किसी को परफॉर्मेंस पे मिला है, किसी का भाई भी है तो आ जाए, लेकिन अगर कोई इस वजह से किसी का उसको मिनिस्ट्री मिली है कि वो उसका भाई है, वो बिल्कुल गलत है। मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, ना मैं सूबे का मुंतजिम हूँ, ना मैं फैसला साज हूँ, मैं तो आपको वो बात करूँ जो तहरीक इंसाफ की कोर आइडियोलॉजी है। अली अमीन गंडापुर की आपने बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी कारकुन है, सख्ते उसे जेला आदमी हाथों में हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा गया पूरे पाकिस्तान में, वो इमरान खान साहब के नजरिए का अमीन है, लेकिन अगर उससे भी कोई गलती हुई है वो उसको ठीक करेगा।